हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है ये वाला मेकअप लुक। सो इस मेकअप लुक में ना मैंने यूज़ करा था NYB का ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन, एंड उसका मैं आप लोग को फुल रिव्यू दूंगी कि वो फाउंडेशन कैसा है एंड आप लोग को यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सो गाइज़, ये है NYB का ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन एंड इट इज़ नेचुरल, फुल कवरेज देता है आप लोग को, स्मूथ एंड लाइट है एंड ईजिली ब्लेंडेबल है, एंड आपको 30 ml की क्वांटिटी मिलती है इसमें। एंड इसका जो MRP है वो है 229 rupees, बट आपको सेल पे मिल जाएगा 185 rupees में। एंड इसमें ब्रांड ने 9 shades लॉन्च करे हैं, मतलब फेयर टू डस्की स्टोन के आप लोग को मिल जाएंगे, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें ज़्यादा फेयर लोग के ज़्यादा हैं, डस्की मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप डस्की स्किन टोन के हो, डार्क स्किन टोन के हो, तो आप लोग को अपना फाउंडेशन नहीं मिलेगा इसमें। बट ठीक है, आप लोग मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। सो इसका जो प्राइस है मैंने आप लोग को ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, 19% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है इस पर। एंड मेरा जो शेड है वो है 5 कैपेजिनो, मेरा शेड नेम है। सो गाइस, आपको ऐसी पैकेट में रिव्यू आपको मिलेगा ये NYB का ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट सा इसका मैट सा इसका फिनिश है। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, हाउ टू यूज़ करना है, आपको कैसे यूज़ करना है। स्टार्ट बाय डाइविंग स्मॉल डॉट्स ऑफ फाउंडेशन ऑन योर नोज, फोर हेड, चीक्स एंड चिन, एंड देन यूज़ अ मेकअप स्पॉन्ज। एंड इसका जो सारे मैनुफैक्चर लिखा है, इंक्वायरी मैनुफैक्चर सारा इसमें लिखा है, 2021 से लेकर आपको 2024 तक चलेगा, 4 साल का आप लोगों को गारंटी मिल रही है, 4 साल तक चलेगा ये। एंड इट ऑल्सो सेज कि ये लाइट वेट है, प्रोवाइड फुल कवरेज एंड कंफर्टेबल ऑन स्किन है, नेचुरल डूई फिनिश है। एंड मेरा शेड है 5 कैपेजिनो, 30 ml की क्वांटिटी मिल रही है। एंड आपको ऐसी कांच की पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा, एंड इसमें लिखा है NYB ड्यूई लिक्विड फाउंडेशन ड्यूई ड्रॉप्स। एंड आपको ना यहाँ पे कैप मिलेगा, इसका ना यहाँ पे जो शेड नेम है उसका पीछे भी यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलेगा। बट मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी इसकी, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को हाइजीनिक नहीं है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक स्पैचुला भी दे देते वो तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज आपको ऐसे निकालना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं मुझे फोर्स से निकालना पड़ा है, बिकॉज ये डूई मतलब थोड़ा सा मैंने देखा थोड़ा फाउंडेशन है थोड़ा ज़्यादा थिक है, सो इसलिए थोड़ा निकलने में उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एंड अगर जब आप निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में निकल रहा है, एंड इसकी कवरेज बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया था, बट मैंने जब इसे ब्लेंड किया था ना बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिश दे रहा था मेरे फेस पे। एंड मैं आप लोग को वो भी बताऊँगी कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया था अपने फेस पे। एंड आप देख सकते हैं ब्लेंडेबिलिटी मैंने अच्छे से अपने हैंड से ब्लेंड करा है, एंड अपना उसकी फिनिश देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल इतना मतलब ड्यूई सी जो फिनिश नहीं होती, बिल्कुल वैसी ड्यूई सी फिनिश लग रही थी इसकी। एंड आप देख सकते हैं कितना ड्यूई फिनिश है इसका, एंड लाइट में कितना ड्यूई सा लग रहा है। एंड ये नेचुरल लाइट में आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, कोई भी मैंने इसमें लाइटिंग एंड इफेक्ट नहीं डाला है, एंड बहुत ड्यूई है। अब आप लोग को बताऊंगी कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया था। तो गाइस, मैंने इस मेकअप लुक में मैंने अच्छे से अपना फेस को पहले प्राइमर अप्लाई कर लिया था। एंड अब आप देख सकते हैं मैं अप्लाई करूँगी आप NYB का फाउंडेशन। सो मैंने इसे ड्रॉप से निकाला था, बट मुझसे नहीं निकला था, मतलब आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा देन ही निकलेगा। अब मैंने इसे पाम में ले लिया था एंड थोड़ा वार्म अप कर लिया था, देन मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। एट डाउनवर्ड मोशन में अप्लाई करने तो अच्छे से अप्लाई होता है, एंड आपको पता चल जाता है कि आपको कितना फाउंडेशन अप्लाई करना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो फाउंडेशन होगा केकी सा लगेगा, एंड बहुत ज़्यादा फेयर लगेगा आपका स्किन। सो बहुत धीरे धीरे आप लोग कवरेज इसे बिल्ड करें। एंड नाउ मैं यहाँ पे लूँगी NYB का ब्यूटी ब्लेंडर, एंड इसे अच्छे से मैं ना आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से डैब 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 मतलब पहले स्क्वीज आउट कर लें वेट ब्यूटी ब्लेंडर, एंड मतलब ऐसे गीला कर लें अच्छे से, एंड देन जो भी एक्सेस वाटर होगा स्क्वीज आउट कर लें, एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, मुझे कवरेज भी अच्छी लगी इसमें, आपको फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप के मिल जाएंगे, फेयर स्किन के लिए, वीटी स्किन के लिए, डस्की स्किन के लिए। एंड इसमें टोटल 9 shades है, मैंने आप लोग को मेंशन कर दिया था। एंड इसमें ना स्मूथ एंड लाइट फिनिश है, नेचुरल डूई फिनिश है, फुल कवरेज देता है आपको। अगर आप इसमें फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ नॉर्मल फिनिश मिलेगा, बट अगर आप टू कोट्स लगा लें, 2 to 3 coats, तो आप लोग को मिलेंगे फुल कवरेज, एंड इट इज़ सुपर ब्लेंडेबल। ये चीज़ अच्छी मुझे लगी कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, एंड इट इज़ कम्फर्टेबल और स्किन बहुत, मैंने मतलब एटलीस्ट 5 hours मैंने इस अच्छे से अपने स्किन में रखा था, तो अच्छे से ब्लेंड हो गया था एंड कम्फर्टेबल था स्किन के लिए, कुछ भी पैचीनेस नहीं हो रहा। एंड आप देख सकते हैं अच्छे से जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें ना उसे नेक पे भी अप्लाई करें, क्योंकि नेक पे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने ना कोई भी कंसीलर नहीं लिया था, मैंने कंसीलर के लिए इसी फाउंडेशन का थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए इसे एज अ कंसीलर अप्लाई करा था। सो जो आपके डार्क पैचेस होंगे ना जहाँ पे आप लोगों को लगे पिगमेंटेशन है, ब्लैक पिगमेंटेशन है, सो वहाँ पे आप अप्लाई कर लें एंड देन इसे ब्लेंड करें। सो मैंने ना कोई भी इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई इसलिए नहीं करा था, बिकॉज तभी आप लोग को पता चलेगा कि ये फाउंडेशन काम करता है कि नहीं। सो मैंने इसे एज अ कंसीलर अप्लाई कर लिया, आप खुद देख सकते हैं कि इतना अच्छे से ब्लेंड हो रहा था।
एंड इसमें कोई भी पैचीनेस नहीं आई थी। सो मुझे इस फाउंडेशन की ये बात बहुत अच्छी लगी। एंड ये मैट फिनिश देता है एंड डुई फिनिश दोनों देता है, मतलब थोड़ी देर में जाके थोड़ा सेट हो जाता है, इतना भी डुई नहीं देता है। बट जब मैंने इसे हैंड में स्वॉच करा था तो बहुत ज़्यादा डुई दे रहा था एंड नेचुरल लाइट में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सो आप खुद देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे टॉप अप कर लूँगी विथ कॉम्पैक्ट। सो मैंने यहाँ पे यूज़ करा था NYB का कॉम्पैक्ट, एंड कॉम्पैक्ट जो होता है ना आपकी आपकी जो फाउंडेशन होता है उसे थोड़ा मैट बना देता है। आप खुद देख सकते हैं मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट अप्लाई करा था तो जो आपका फाउंडेशन एंड कंसीलर होता है ना अच्छे से सेट हो जाता है। सो कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी एंड देन आप खुद देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है एंड कोई भी इसमें पिगमेंटेशन जो डार्क सर्कल होते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहे हैं। सो मुझे मेरी तरफ से ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग द NYB फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन, ये है मेरा फेस का कवरेज एंड मैंने कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर लेता एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वाला फाउंडेशन। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं वाला फाउंडेशन गाइज। सो गाइज यही था फुल रिव्यू NYB के फाउंडेशन का। एंड अगर आप लोग को परचेज करना हो तो मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइज, बाय गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।